कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में सख्त प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सारा व्यापार बंद है। ऐसे में शहर की गंगा जमुना बस्ती में रहने वाली सेक्स वर्करों के बुरे हाल थे। उन्हें एक समय का भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा था। ऐसे में लकड़गंज थाने के पुलिस निरीक्षक पराग पोटे की सूचना मिलते ही निश्चय फाउंडेशन ने उनके लिए दोनों समय वहीं पर खाना पकाने की व्यवस्था की, जिससे वारांगनाओं को राहत मिली है। कोरोना विषाणु के संक्रमण के कारण पिछले एक माह से शहर के सारे व्यापार पर तालाबंदी है। इसका सर्वाधिक परिणाम गंगा जमुना में रहने वाली सेक्स वर्करों पर पड़ा है, क्योंकि वे अन्य कोई व्यवसाय कर ही नहीं सकती। उनका व्यवसाय बंद होने के कारण उन पर भूखमरी की नौबत आ गई थी। उन्हें बड़ी मुश्किल से दो दिन में एक बार खाना मिल रहा था। करीब 5,000 से अधिक सेक्स वर्करों के घरों में चूल्हा ही नहीं जल पाया था। जब इसकी जानकारी लकड़गंज पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक पराग पोटे को मिली तो उन्होंने यह समस्या हल करने के लिए निश्चय फाउंडेशन से संपर्क किया। निश्चय फाउंडेशन ने इंसानियत का परिचय देते हुए वारांगनाओं की बस्ती में ही खाना पकाने की व्यवस्था की। अब इन सेक्स वर्करों के लिए लॉकडाउन समाप्त होने तक दोनों समय के भोजन की व्यवस्था हो पाई है। इन वारांगनाओं ने पुलिस विभाग और निश्चय फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। कुछ दिनों पहले हमें लकड़गंज पुलिस स्टेशन से श्रीमान जी पीआई साहब पोटे साहब का फ़ोन आया और उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि हमारे एरिया में वारांगनाओं की लॉकडाउन की वजह से बहुत ही हालत दयनीय होती जा रही है। वो दो दिन में एक ही बार खाना खा रहे हैं, तो इस बारे में आप कुछ सहयोग की उन्होंने हमसे आशा की। तो हमने तुरंत ही अपनी पदाधिकारियों की मीटिंग बुला के ये निश्चित किया कि जब जिस समय तक इस लॉकडाउन चालू है और उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरतें उनकी पूरी भोजन द्वारा हमारे निश्चय फाउंडेशन की तरफ से लकड़गंज पुलिस स्टेशन के सहयोग से पूरी कराई जाएगी। लॉकडाउन की एक भयावह परिस्थिति में सभी प्रतिष्ठानें कुछ समय के लिए चालू रखना, किसी कोई प्रतिष्ठानें कम्प्लीटली बंद रखना, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी। उसी तरह लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत गंगा जमुना जो वारांगना का व्यवसाय चलता है वो भी बंद करना हमारी जवाबदारी थी। हमने वो बंद किया और जो प्रादुर्भाव था COVID-19 का वो कुछ अंश बंद करने का प्रयास किया। हमारे ये ख्याल में आए कि जब व्यवसाय बंद हुआ तो उनका रोजी रोटी भी बंद हो गई, उनको खाना मिलना मुश्किल हो गया, भूखे रह रहे थे एक दो दिन से। तो हमने मुझे ऐसा विचार आया कि इनको सवेरे शाम खाना दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने निश्चय फाउंडेशन के पदाधिकारियों से बातचीत किया, उन्होंने भी तुरंत हाँ बोला और रात भर में खाने की तैयारी की। यही खाना बनाया जाता है, यही खाना बांटा जाता है